कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद पर लगे रेप के आरोप की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोग भगवा पहनकर बलात्कार कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भोपाल में आयोजित संत समागम के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि आज लोग भगवा कपड़े पहनकर मंदिरों के अंदर बलात्कार कर रहे हैं, क्या यही हमारा धर्म है? जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया है उन्हें भगवान माफ नहीं करेगा। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का राष्ट्र के प्रति भाव इससे पता चलता है कि इनके नेता संस्कृति के संवाहक और संरक्षक हमारे पूजनीय संतों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने एक तस्वीर साझा कर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पूजनीय संतों को जूता दिखाकर बैठते हैं और दिग्विजय सिंह को भगवा में रेपिस्ट नजर आते हैं। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने इससे पहले भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुसलमान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी और बजरंग दल पर ISI से पैसा लेने का आरोप भी लगाया था। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।